岩だらけ。जिंदगी की राह दिखाने को, पाप से छुड़ाने को, पाप से छुड़ाने को आ गया है मसीह। सभी युवा भाई बहनों को जयसु। युवा तरंग कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और इसके द्वारा कृपाएं भी प्राप्त करते हैं। कई युवा भाई बहनों ने अपने संदेशों के द्वारा हमें बताया है कि इस कार्यक्रम के द्वारा उनको कितना लाभ होता है, और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि ये कार्यक्रम बराबर आपके लिए लाभदायक हो। मेरे प्रिय छोटे भाई और बहनों, हम जल्दी ही क्रिसमस मनाएंगे। क्रिसमस यानी क्रिस्त जन्मोत्सव। हम उसको क्रिस्त जयंती नहीं कहेंगे, क्योंकि हम जयंती उनकी मनाते हैं जो मर चुके हैं। प्रभु यीशु मरने के बाद जी उठे, इसीलिए उनका जन्म पर्व क्रिस्त जन्मोत्सव कहा जाता है या क्रिसमस कहा जाता है। प्रभु यीशु का जन्म इस संसार या मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। प्रभु यीशु का जन्म मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जिसने मानव इतिहास को ही दो भागों में विभाजित किया, मानव संस्कृतियों को बदल डाला, मानव सभ्यता को बदल डाला, मनुष्य हृदयों को ही बदल डाला है। इस संसार में, मानव इतिहास में यीशु मसीह एकमात्र व्यक्ति हैं जिनके आगमन के बारे में, जिनके जन्म के बारे में भविष्यवाणी हुई। हम पूरे बाइबल में, विशेष करके पुराने विधान में, प्रभु यीशु के जन्म के बारे में भविष्यवाणी सुनते हैं। यीशु के आगमन के बारे में कई भविष्यवाणियां, यीशु के जन्म के बारे में कई भविष्यवाणियां, यीशु के नाम के बारे में भविष्यवाणी, यहां तक कि प्रभु यीशु के जन्म से पहले मां मरियम से स्वर्गदूत ने कहा कि आप उसका नाम यीशु रखेंगे। इसियास नबी के ग्रंथ में उनके बारे में लिखा गया कि उसको वो इमैनुएल कहलाएगा। तो प्रभु के नाम के बारे में भविष्यवाणी हुई, प्रभु के कार्य के बारे में भविष्यवाणी हुई, नबियों के द्वारा भविष्यवाणी हुई कि किस तरह मसीहा प्रभु यीशु कार्य करने वाले हैं। प्रभु यीशु के स्वभाव के बारे में भविष्यवाणी हुई। मानव इतिहास में एकमात्र व्यक्ति जिसके जन्म से पहले ही उनके जन्म के बारे में, उनके नाम के बारे में, विशेष करके उनके काम के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में भविष्यवाणी हुई है, वह यीशु मसीह हैं। इसलिए प्रभु यीशु के जन्म का यह पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके जन्म से पहले काफ़ी तैयारियां हुई। प्रभु ईश्वर ने नबियों के द्वारा मनुष्य जाति को मसीह को ग्रहण करने, यीशु को ग्रहण करने के लिए तैयार किया, नबियों के द्वारा। और उनमें से अंतिम नबी हैं यौहन बपतिस्ता। यौहन बपतिस्ता प्रभु यीशु के ही कुटुंब के थे। प्रभु यीशु से मात्र 6 साल उम्र में बड़े थे, और प्रभु यीशु की तरह नहीं थे बल्कि अलग से थे, तपस्वी थे, जंगलों में रहते थे, टिड्डियां खाते थे, मधु खाते थे, तपस्वी थे, और कठोर शब्दों में लोगों को यीशु के सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए तैयार किए। तो प्रभु यीशु के आने से पहले उनके लिए मार्ग तैयार किया, उनके सुसमाचार की घोषणा के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया गया।
प्रभु के जन्म से पहले एक नारी को तैयार किया गया, मरियम को, जन्म से ही पाप रहित एक पवित्र नारी जो ईश्वर के पुत्र की मां बन सकती है, जिससे स्वर्गदूत ने कहा कि प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। एक ऐसी महान नारी का की तैयारी हुई, प्रभु के जन्म से पहले एक स्थान की तैयारी हुई। उनके जन्म के बारे में बताया गया, वचन में लिखा हुआ कि उनका जन्म बेतलहम में होगा, और उनके जन्म के लिए एक गौशाले की तैयारी हुई। बड़ी अजीब बात है ना, ईश्वर ने अपने पुत्र येसु को इस संसार में भेजा, उनके जन्म के लिए कहीं जगह नहीं मिली, बल्कि उन्होंने एक गौशाले में जन्म लिया और वे चरणी में रखे गए। ये ईश्वर की योजना का हिस्सा था। तो ईश्वर ने एक गौशाले को चुना, गौशाले को तैयार किया, चरणी को तैयार किया अपने पुत्र के इस संसार में आगमन के लिए। इसलिए प्रभु येसु का जन्म कृपा का क्षण था। प्रभु येसु के जन्म के द्वारा संसार के लिए कृपा का द्वार खुल गया, अनुग्रह का द्वार खुल गया, आशीषों का द्वार खुल गया। जब प्रभु का जन्म हुआ, स्वर्गदूतों ने गाया, क्या गाया? स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और इस पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और इस पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। तो प्रभु येसु के जन्म के द्वारा मनुष्य जाति के लिए ईश्वर की आशीषों का भंडार खुल गया, अनुग्रहों का द्वार खुल गया। और हम सुसमाचारों में पढ़ेंगे कि प्रभु येसु जहाँ कहीं भी जाते थे, अनुग्रह बरसता था, कृपाएं बरसती थी, चंगाइयाँ होती थी, चमत्कार होते थे। उनके वचनों में इतनी मधुरता थी कि लोग उनको छोड़ना नहीं चाहते थे, शुद्ध बुद्ध खोकर उनके वचनों को सुनते थे। तो प्रभु येसु के द्वारा इस संसार में स्वर्गिक अनुभूति आई, स्वर्गिक अनुभव आया और लोगों ने अनुभव किया। इसलिए हम सबके लिए आवश्यक है कि उस महान पर्व के लिए अपने आप को तैयार करें। आपसे बार बार कहा गया है कि हम इस समय आगमन काल में हैं। प्रभु येसु के जन्म से करीब 25 दिन पहले से कलीसिया ने एक काल निर्धारित किया, आगमन काल, यानी प्रभु येसु के जन्म की तैयारी का समय, करीब 25 दिन। ये क्यों तैयारी का समय दिया गया है? ताकि हम अपने आप को इस कदर तैयार करें कि 24-25 को जब हम प्रभु का जन्मोत्सव मनाएंगे, वो हमारे लिए एक अनुभव बने, उसके द्वारा हमें ईश्वरीय कृपाओं की अनुभूति मिले। इसलिए हमें तैयार करना अपने आप को। तो आप पूछेंगे कि हम कैसे तैयारी करें। मैं आपके सामने 2-3 बातें रखना चाहता हूँ। पहली बात, बुराइयों से दूर रहना। हम सबके अंदर किसी न किसी प्रकार की बुराई कार्य कर रही है। अलग अलग प्रकार की बुरी आदतें हैं। किसी को नशा खाने की आदत है, गुटखा खाने की आदत है, खैनी खाने की आदत है, पान खाने की आदत है, बीड़ी पीने, सिगरेट पीने की आदत है, अन्य मादक पदार्थ खाने की आदत है, शराब पीने की आदत है। ये समय है कि हम इन सारी चीज़ों को दूर रखेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए, प्रभु की कृपा को कार्य करने दीजिए। संभवतः क्रिसमस मनाने के बाद आपको इन सारी चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो सबसे पहली बात, ऐसी बुरी आदतों को दूर रखना। अन्य लोगों में और भी बुरी आदत हो सकती है, वासना संबंधी, लैंगिकता संबंधी बुरी आदतें, गंदी दोस्ती की आदत, गंदी बातें करने की आदत, चैटिंग करने की आदत, पूरी रात चैटिंग करने की आदत, गंदी गंदी या अश्लील चित्र देखने की आदत, अश्लील फिल्म देखने की आदत, लोगों के पीछे जाने की आदत। ऐसी आदतों को इस आगमन काल में दूर रखें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेल यू, जब आप इन सारी बातों को अपने जीवन से दूर रखेंगे, संभवतः क्रिसमस के बाद आपको इन सारी चीजों में कोई रुचि नहीं होगी। आपको लगेगा ये सब बेकार है। और भी बुरी आदतें हो सकती हैं, जैसे झूठ बोलने की आदत, चुगली करने की आदत, दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा आलोचना करने की आदत, लोगों के सामने दूसरों की बुराई बोलने की आदत। इस आगमन काल में इन बुरी आदतों को दूर रखें। पापों में आदतों को दूर रखें, चोरी करने की आदत, अन्याय करने की आदत, घूस लेने की आदत, ऐसी बुरी बुरी आदतों को इस आगमन काल में दूर रखिए।
प्रभु आपको बहुत सारे उपहार देने वाले हैं। आप में से हर कोई अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता कैसे मिलेगी? सफलता कैसे मिलेगी? मैं कुछ दिन पहले एक जवान लड़की से बात कर रहा था, 25-26 साल की। उसका उसके मित्रों के साथ कोई खास अच्छा रिश्ता नहीं है, लेकिन गलत भी रिश्ता है, और जिसके कारण उसके अंदर इतना ज़्यादा क्रोध है कि अपने भाई के साथ, मम्मी के साथ क्रोध के साथ बात करती है। गंदी आदत से क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए इन सारी बातों को, इन सारी बुराइयों को हम इस आगमन काल में दूर रखें। दूसरा है, भलाई करें। प्रभु पूरी बाइबल में बार बार हमें बताते हैं कि भलाई करना सीखो। प्रभु येसु चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते थे। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित अध्याय 10 वाक्य 38 में, वे चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते थे। ये मत भूलना कि प्रभु येसु युवा थे, ही वॉज अ यूथ। प्रभु येसु युवा थे और युवा होकर चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते थे। इस आगमन काल में अभी कुछ दिन और बचा हुआ है क्रिसमस मनाने के लिए, हम भलाई करना सीखें, दूसरों की भलाई करें, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करें, बुजुर्गों और अन्य लोगों की सेवा करें। थोड़ा समय निकालिए भलाई करने के लिए, अलग अलग प्रकार की भलाई। एक बार काल में अभी जितने दिन बचे हुए हैं प्रार्थना बढ़ाइए। अगर आपको 10 मिनट प्रार्थना करने की आदत है उसको 20 मिनट कर दीजिए, अगर 20 मिनट करने की आदत है उसको 40 मिनट कर दीजिए। थोड़ा प्रार्थना बढ़ाइए, बड़े सवेरे उठने के बाद थोड़ी देर प्रार्थना में बिताइए। इस बात को नहीं भूलना कि प्रभु यीशु बड़े सवेरे उठकर प्रार्थना करते थे, एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे। प्रार्थना के लिए समय निकालिए, रात को सोने से पहले प्रार्थना के लिए समय निकालिए, कुछ देर बिस्तर पर बैठिए, प्रार्थना में बैठिए। अगर आपकी शादी हुई है पति पत्नी दोनों बैठ के प्रार्थना में रहिए, उसके बाद सोइए। तो ये आगमन काल ऐसा समय है जब हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। साथ साथ पवित्र वचन पढ़ना और सुनना मत भूलिए। पवित्र वचन पढ़िए, आपसे बार बार बताया गया है कि पवित्र वचन पढ़ने से आपको आनंद मिलता है, आपको आज़ादी मिलती है। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं यौहन अध्याय 15 उसके वाक्य 11 में, मैं तुमसे ये सारी बातें इसलिए बोला हूँ जिससे मेरा आनंद तुम में हो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। तो प्रभु यीशु ये सारी बातें क्यों बोले हैं? उनका आनंद हमें मिले और हमारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। यानी प्रभु यीशु के पवित्र वचनों के द्वारा हमें यीशु का आनंद मिलता है, और जब हम उसको मनन चिंतन करते हैं तो हमारा आनंद दुगना हो जाता है। आप पढ़ेंगे स्तोत्र 119 वाक्य 11 में लिखा हुआ है कि मैंने तेरे वचनों को, तेरी शिक्षा को अपने हृदय में संचित रखा जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैंने तेरी शिक्षा को अपने हृदय में संचित रखा जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब हम प्रभु के वचनों को सुनते अपने हृदय में संचित रखते हैं तो हम पाप से दूर रहते हैं। उसी अध्याय में स्तोत्र 119 वाक्य 9 में हम पढ़ेंगे, एक नवयुवक या नवयुवती अपने आप को कैसे निर्दोष रख सकते हैं? तेरे वचनों का पालन करने से। तो प्रभु का वचन आपको आनंद प्रदान करेगा, प्रभु का वचन आपको हर प्रकार की दुष्टता से दूर रखेगा, आपको शुद्ध करेगा। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं यौहन अध्याय 15 वाक्य 3 में, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। जैसे जैसे हम प्रभु के वचनों को सुनेंगे, उसको पढ़ेंगे, हम शुद्ध होते जाएंगे। हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व शुद्ध होते जाएंगे। इसलिए इस आगमन काल में, अभी क्रिसमस मनाने के लिए हमारे पास कुछ ही समय है, इस समय कुछ ज़्यादा ही हम पवित्र वचन सुनेंगे, पढ़ेंगे और प्रार्थना में समय बिताएंगे, लोगों की भलाई करेंगे और साथ साथ प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताएंगे। इस तरह हमारे लिए क्रिसमस एक सुंदर अनुभव बनेगा, वरना वो मात्र एक त्यौहार बनकर बीत जाएगा। लेकिन हमारे लिए क्रिसमस एक अनुभव बनना चाहिए। जब हम इस तरह तैयारी करेंगे तो हमारे लिए एक अनुभव बनेगा। जरा सोचिए, अगर आपका विवाह होना है, कितनी तैयारी होती है। हर चीज़ की, भौतिक और हर प्रकार की तैयारी होती है, सामाजिक रूप से तैयारी होती है, अंत में विवाह होता है। विवाह तो कुछ समय की बात है लेकिन तैयारी बहुत लंबी होती है। उसी तरह प्रभु के जन्म के पर्व के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे, जानबूझकर अपने आप को तैयार करेंगे, और इस वर्ष का जन्म पर्व हमारे लिए आशीष का समय बने, कृपा का समय बने।
आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, तेरे सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद देता हूँ, तेरी प्रेरणाओं के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, इस समय जितने भी छोटे भाई बहन इन वचनों को सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, उन पर दया करना। ये प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक छोटे भाई बहन के लिए, ये क्रिसमस उनके लिए एक नई शुरुआत का समय हो, ये क्रिसमस उनके लिए बंधनों से आज़ादी का समय हो, ये क्रिसमस उनके लिए एक नई धारणा और नए निर्णय का समय हो। इस क्रिसमस के द्वारा उनके जीवन में उनका स्वभाव बदल जाए, उनका स्वरूप बदल जाए, उनके जीवन में विशेष करके उनके व्यक्तिगत इतिहास में एक नई चीज़ शुरू हो जाए। अपने सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमेन। सबको जय सु। अंधों को आंखें देने, लंगड़ों को पांव देने, अंधों को आंखें देने, लंगड़ों को पांव देने। चंगा करने।